आज हाथरस में रैली की जाएगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा रैलियों का दौर जारी है, हाथरस से खबर बता रहे हैं, जहां पर आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह रैली करेंगे। लोकसभा प्रत्याशी राजवीर दिलेर के लिए रैली की जाएगी। आपको बता दें, गृह मंत्री के दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम रैली को लेकर किए गए हैं। और आपको बता दें, चुनावी दौर है, चुनाव को लेकर सभी तैयारियां की जा रही है। दिग्गज नेता प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं और आज गाजियाबाद में रैली होगी, जहां पर गृह मंत्री पहुंचेंगे और प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। आपको बता दें, चुनाव को लेकर सभी तैयारियां की गई है, प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा आज जनसभा को संबोधित किया जाएगा। हाथरस में गृह मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित करेंगे और सभी तैयारियां गृह मंत्री राजनाथ सिंह की रैलियों को लेकर की जा रही है। और आपको बता दें, लोकसभा प्रत्याशी राजवीर दिलेर के लिए आज जनसभा होगी, उसके लिए वोट की अपील गृह मंत्री के द्वारा आज की जाएगी। बता दें, बीजेपी की ओर से चुनाव को लेकर सभी तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी जनसभा बीते दिन की गई थी और आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी जनसभा करेंगे और प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की जाएगी। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से तैयारियां तेज हो गई हैं, क्योंकि समय कम रह गया है। जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, चुनाव के लिए तैयारियां भी बढ़ गई हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनसे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ जनसभा को लेकर तैयारियां हैं। जितेंद्र, जनसभा को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए, जनसभा की अगर बात की जाए तो राजनाथ सिंह गृह मंत्री गाजियाबाद आ रहे हैं। ये वो गृह मंत्री हैं जो पहले एक बार गाजियाबाद से लोकसभा की सीट पे चुनाव लड़ चुके थे और जीते भी थे। कहीं ना कहीं इनका ये अपना गढ़ माना जाता है, बीजेपी का जो है गाजियाबाद में पूरी तरह से गढ़ माना जाता है, जहां पांचों विधायक, मेयर और उसके अलावा 100 में से 70 से 80 जो सभासद हैं वो सब पूरे के पूरे बीजेपी से हैं। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी गाजियाबाद आते हैं और उसके बाद रैलियां करते हैं। रैलियां में भीड़ ना ज्यादा दिखने की वजह से जो है इस बार अब राजनाथ सिंह आ रहे हैं, स्टार प्रचारक के रूप में आ रहे हैं और जनरल वीके सिंह को जो पिछली बार लगभग 5 लाख वोट से जीते थे, कहीं ना कहीं वो आंकड़ा कम ना हो जाए। डोली शर्मा जो है कांग्रेस की जो प्रत्याशी है, उनके लिए कल प्रियंका गांधी ने जो रोड शो किया था, कहीं ना कहीं उससे वोट कन्वर्ट ना हो जाए, जिसको देखते हुए जो है आज गाजियाबाद में गृह मंत्री आ रहे हैं। जितेंद्र, जिस तरह से आपने कहा कि रैलियों में भीड़ कम देखने को मिलती है, तो इस बार गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करने पहुंचे, तो क्या लग रहा है कि कितने लोगों के जुटने की आशंका है? जी बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की अंदरूनी कलह के चलते ये भीड़ जो है कम दिखती है, जैसा हमें सूत्र बताते हैं। लेकिन इस बार जो गृह मंत्री खुद आ रहे हैं, वो पहले गाजियाबाद रह चुके हैं और समय समय पर गाजियाबाद आते रहते, तो कहीं ना कहीं इस बार जन सैलाब जो है उबड़ने की पूरी पूरी आशंका जताई जा रही है। जी जितेंद्र, कार्यक्रम कितने बजे तक शुरू हो जाएगा, क्योंकि लगातार जनसभाएं होनी है और वोट की अपील भी गृह मंत्री करेंगे, तो कितने बजे तक कार्यक्रम का समय तय है? जी बिल्कुल, जो कार्यक्रम का समय तय किया है, गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में ये कार्यक्रम का तय किया गया है और लगभग शाम को 5 बजे से ये शुरू होगा प्रोग्राम। जी चलिए, शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी के लिए। तो आज जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी जनसभा को संबोधित किया गया था। लगातार दिग्गज नेताओं के द्वारा चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है, प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की जा रही है, जनसंपर्क किया जा रहा है। तो आज गाजियाबाद में जनरल वीके के लिए राजनाथ सिंह गृह मंत्री वोट की अपील करेंगे, जनसभा से रूबरू होंगे। आपको बता दें, चुनावी दौर है, चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हाथरस से हमारे संवाददाता योगेश चौधरी हमारे साथ है, तो उनसे जान लेते हैं कि हाथरस में किस तरह का माहौल है और क्या कुछ तैयारियां जनसभा को लेकर है। जी योगेश, आपसे जानना चाहेंगे, तैयारियां तेज हैं? जी मैम, यहाँ जोरों से तैयारियां चल रही हैं। जी, यहाँ के जो SP सिद्धार्थ मीणा है, वो जोरों से तैयारियों की पूरी मुआयना कर चुके हैं। यहाँ और भी PAC की कई गाड़ी आ चुकी है, पूरा उनका आगमन का पूरा कार्यक्रम है वो संतुलित रूप से पूरा हो गया है। उनके आने के करीब 12:50 का टाइम है मैम। जी
जी योगेश आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जनसभा को लेकर कितने बजे का समय तय हुआ है और क्या लगता है कि रैली को लेकर क्या लग रहा है कि जो वहां से प्रत्याशी हैं उनको जीत मिल पाएगी, किस तरह का रुख है? जी मैम, हाँ, रैली को लेकर ये लगता है जो यहाँ के प्रत्याशी हैं राजवीर सिंह दिलेर, उनके समर्थन में उनको यहाँ जिताने के तरीके से नए और यहाँ रैली संबोधित करेंगे वो, और उनको यहाँ शायद क्षेत्र में जहाँ सपा का और बसपा का महागठबंधन है वहां से वो वोट तोड़ने के लिए और अपने जो प्रत्याशी है उसको जिताने के लिए वहां रैली संबोधित करेंगे। चलिए, शुक्रिया योगेश आपका तमाम जानकारी के लिए। रैली को लेकर सभी तैयारियां की जा रही है, गृह मंत्री का दौरा होगा जिसके लिए कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की गई है और गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे, जनता से रूबरू होंगे। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए अब तैयारियां तेज हो चुकी है, जगह जगह हर क्षेत्र में जाकर रैली की जा रही है, जनसंपर्क किया जा रहा है और साथ ही जितने कार्यकर्ता है उनसे भी मुलाकात करके चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए उसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं।